हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी 2022 में पैरा मेडिकल एडमिशन के लिए, पैरा मेडिकल कोर्सेज जितने भी होते हैं उसमें एडमिशन के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया जा चुका है। तो एप्लीकेशन फॉर्म का क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है, कितनी फीस लगेगी, कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, कब एग्जामिनेशन होगी, कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हर चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसके एडमिशन वाउचर पे जाते हैं। इस एडमिशन वाउचर पे देखेंगे तो वहां से हमको पता चल जाएगा कि क्या है हमारा एडमिशन वाउचर के तहत जानकारी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये आपको आते हैं यहां पे तो आपको दिख रहा होगा कि ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का एडमिशन वाउचर है। तो एडमिशन वाउचर के तहत ही हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से अवेलेबल है। देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है, देखिए एक सेकंड, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, एक वन, हाँ यस, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहा है 27 जुलाई 2022 से ये एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है। लास्ट डेट ऑफ फॉर ऑनलाइन पेमेंट, जो पेमेंट किया जाएगा वो 23 अगस्त, मतलब 23 अगस्त तक में ही आपको, देखिए सबमिशन ऑफ लास्ट डेट फॉर्म है 26 अगस्त, लेकिन आप मान के चलिए कि 23 अगस्त तक में ही आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है। क्यों? क्योंकि उसके बाद पेमेंट नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्म फिलिंग का डेट, मतलब अभी आपके पास समय है, आप जा करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर आपका एडमिट कार्ड कब अवेलेबल कराया जाएगा, तो 30 अगस्त को मतलब अवेलेबल हो जाएगा। और इस एग्जामिनेशन जो कब होगा, 4 सितंबर को, 4 सितंबर को एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन अभी नहीं पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा कब, अपने एडमिट कार्ड पे पता चल जाएगा, ठीक है। रिजल्ट कैन बी सीन ऑन वेबसाइट, रिजल्ट 7 से 10 दिन के अंतर्गत में आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिर काउंसलिंग की प्रोसेसेस आगे बढ़ेंगी, ठीक है। इस प्रकार से कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म होता है। फिर अब पैसा कितना लगता है वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए जो जनरल कैटेगरी से हैं या OBC से हैं उनको कितना लगेगा, 1250 रुपया लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म का। फिर जो SC ST से हैं उनको कितना लगेगा, 1050 रुपया लगेगा, यानी 1050 रुपया SC ST वालों को लग रहा है। और जो जनरल वाले हैं उनको कितना लग रहा है, उनको लग रहा है 1250 रुपया। चलिए अब हम लोग एलिजिबिलिटी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और कौन कौन से कोर्सेज पैरामेडिकल के अंतर्गत आते हैं और वो सभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आप ये भी जान लीजिए कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है इसका कोई खास एलिजिबिलिटी नहीं है। बस आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जो जनरल उनका 45% मार्क्स होना चाहिए। कितना? मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए 12th में। और वो क्या चीज़ से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। और कुछ बच्चों का कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसको जिसमें कि मैथ वाले भी एडमिशन ले सकते हैं, तो आपका PCMB है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके 12th में 45% मार्क्स होने चाहिए। फिर SC ST के लिए कितना है, 40% मार्क्स होना चाहिए, ये होगा। फिर यहाँ पे जो NIOS बोर्ड जो ओपन स्कूलिंग करते हैं उनका भी मान्यता, उनका भी मतलब फॉर्म भरा सकता है, ये चीज़ हुई। और फिर अब बात करते हैं हम लोग, क्या बात करेंगे कि क्या इसका जो ये देखिए किस स्टेप से फॉर्म भराएगा, यहाँ पे वो भी दिया हुआ है। मैं इसका PDF आपको शेयर कर दूंगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद पेमेंट करना होगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा, पेमेंट करने के बाद पेमेंट डिटेल एंट्री अपलोड फोटो सिग्नेचर सैंपल सीट, मैं करके एक दिखा दूंगा कि किस प्रकार का दिखता है, वो आप मेरे मैंने करके रखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कितने आएंगे, तो देखिए मैं मेन पॉइंट्स को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे याद रखिएगा क्वेश्चन ऑलवेज इंग्लिश में पूछे जाते हैं, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन होगा, प्लस 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे मैथ का कोई क्वेश्चन देखने को आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप PCMB से क्यों ना हो, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एग्जामिनेशन कम से कम आपको 50% पास रहेंगे तभी आप काउंसलिंग, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि आप कम से कम एंट्रेंस एग्जाम में 50% मार्क्स लाएंगे तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और MCQ पे देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग, मतलब यहां पर कोई भी निगेटिव मार्किंग का मतलब जरिया नहीं है, मतलब आप जितना मारना चाहते हैं सारा टिक करके आइए, तुक्का भी आप आराम से लगा सकते हैं। यह चीज आपके लिए हुआ कि अगर आपका लक फेवर में रहा तो एक काम हो सकता है, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं पैरा मेडिकल कोर्स के अंतर्गत, कौन कौन से कोर्सेज आते हैं और कौन सा बेस्ट कोर्स है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पे जितने भी कोर्सेज हैं वो बैचलर डिग्री होंगे। बैचलर डिग्री कहने का अर्थ हुआ 4 से 4.5 साल के बीच का कोर्स होगा, ठीक है, जिससे कि आप ग्रेजुएट भी कहलाएंगे, ठीक है, सबसे पहली बात। और अब बात करते हैं हम लोग क्या क्या कोर्सेज में हैं। सबसे पहला है क्या, देखिए बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, मतलब आप लैब टेक्नीशियन बन जाइएगा। इसके बाद इसका एलिजिबिलिटी क्या है, तो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए 50% मार्क्स, पीसीबी में और एससी एसटी के लिए 40%, ओबीसी के लिए जनरल के लिए 50%, ठीक है। ये हुआ पहला कोर्स। दूसरा कोर्स इसके अंतर्गत आता है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री में कितना होता है, ये भी इंटरमीडिएट है, मैथमेटिक्स बायोलॉजी दोनों वाले इसको कर सकते हैं। फिर आता है बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इससे आप ओटी टेक्नीशियन बन जाइएगा। इसका क्या है, 50% मार्क्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कि काफ़ी बेहतर कोर्स माना जाता है। उसके बाद आपका नीचे है कोर्स कौन सा है, बैचलर इन रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मतलब आप एक्सरे टेक्नीशियन भी बन जाइएगा, इसे रेडियोलॉजी टेक्नीशियन जिसे कहा जाता है। फिर है बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, तो स्पीच लैंग्वेज वगैरह हो जाएगा ये, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिर एक अच्छा कोर्स है इसके अंतर्गत, जिससे कि आप एक तरीके का फिजियोथेरेपिस्ट बन जाइएगा। उसके बाद है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये भी एक बढ़िया कोर्स है। तो इस तरीके से आपके पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर कुछ कोर्सेज है, बस इतने ही 7 कोर्सेज में एडमिशन के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया गया है। अब बात करता है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे जाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे आप कैसे जाएंगे। टेक वन सेकेंड, देखिए जब आप अपने क्रोम पे जाएंगे तो क्रोम पे जाने के बाद आपको कुछ नहीं सर्च करना है, ABBMUF, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, बस ये चीज़ें आप सर्च कर लीजिएगा। ये चीज़ें सर्च करेंगे तो आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पाएंगे तो आप उसे डेस्कटॉप साइट में ज़रूर ले लीजिएगा। जब आप डेस्कटॉप साइट में लेंगे, डेस्कटॉप साइट में लेने के लिए जो 3 डॉट है इसको नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप साइट को ओपन कर दिया जाता है। तो इससे क्या हुआ, हमारा डेस्कटॉप साइट करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखता है। ये हमारा ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, यहां पे आप नीचे आते हुए एक एडमिशन का सेक्शन दिख रहा होगा। इस एडमिशन के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहां पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसको किए। उसके बाद आपको नीचे और जाते रहना है। यहां पे देखिए सभी तरीके के कोर्सेज के लिए है, मैं अभी पैरामेडिकल के लिए बता रहा हूँ, तो आप नीचे करते जाइए। यहाँ देखिए कंबाइंड पैरामेडिकल बैचलर कोर्सेज है ना, CPE 2022, तो इसको आप क्लिक करेंगे। जब इसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए मैंने ये सभी बातें बता दी हैं आपको। फिर प्लस क्या है, एलिजिबिलिटी वगैरह भी सब चीज़ बता दिया। इस प्रकार से कुछ फ़ोटो आपको लेना है, इस प्रकार से आपको साइन अपना मतलब यहाँ पे अपलोड करना होगा, थंब अपलोड करना होगा, हर चीज़ें यहाँ पे दिख रही होंगी आपको। आप वेबसाइट पे खुद जाके ये सभी चीज़ें मैंने बता दिया, तो वेबसाइट से आप जा कर के रजिस्टर कर सकते हैं। और जो एडमिशन वाउचर यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि पैरामेडिकल वाउचर जो कि मैंने वहाँ से डाउनलोड किया है। और अगर डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं आप उदित एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर मैं टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF भेज देता हूँ, जहाँ से आप सब चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। मैं कहूँगा कि आप भरिए फॉर्म, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।